तो आज मैं अपने घर पे काफ़ी दिनों बाद जा रहा हूँ क्योंकि मैं शहर से बाहर गया था अपने बिजनेस की वजह से। तो आज मैं अपने घर पे जा रहा हूँ, तो जल्दी से हम इस बाइक को लेके चलते हैं घर के अंदर। मैं अपने घर के अंदर आ चुका हूँ और काफ़ी दिनों बाद मेरे को अपने घर को देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो जल्दी से हम यहाँ पे अपनी बाइक को छोड़ते हैं और चलते हैं घर के अंदर क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक भी गया हूँ। तो जल्दी से हम थोड़ा आराम करेंगे घर के अंदर। उससे पहले मेरे को इस बैग को रखना पड़ेगा क्योंकि इस बैग के अंदर मेरे बिजनेस का सारा पैसा जो कि मेरे को संभाल के रखना पड़ेगा क्योंकि मैंने काफी मेहनत करके ये पैसा कमाया है। तो जल्दी से हम थोड़ा टीवी देखते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा आराम करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज, हमारी सिटी के अंदर एक ऐसा घर है जिसकी कीमत लाखों में है पर वो कुछ टाइम के लिए सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए के अंदर मिल रहा है। तो जो भी इसको सबसे पहले खरीदेगा वो उस घर का मालिक बन जाएगा। गाइस ये मैंने टीवी के अंदर क्या देखा, इतना बढ़िया घर सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए के अंदर मिल रहा है, तो मुझे उस घर को खरीदना पड़ेगा। तो जल्दी से हम अपने पैसों को बैग लेते हैं और जल्दी से निकलते हैं उस घर को परचेज करने। मैंने यहाँ से पैसों का बैग ले लिया है, अब जल्दी से हम इसको लेके चलते हैं उस घर को खरीदने क्योंकि अगर हमसे पहले किसी और ने उस घर को खरीद लिया तो हमारे हाथ से एक बढ़िया डील निकल जाएगी। तो जल्दी से हम अपनी बाइक को लेते हैं और निकलते हैं उस घर की ओर। मैं उस लोकेशन पे पहुंच चुका हूँ जहाँ पे वो घर मिल रहा है और ये रहा वो आदमी जो कि उस घर को सेल कर रहा है। तो जल्दी से हम इसके पास चलते हैं और इससे बात करते हैं। हेलो भाई, आप ही वो रेड वाला घर बेच रहे हो? भाई हाँ, मैं ही उस घर को बेच रहा हूँ और सिर्फ 10,000 रुपए के अंदर। मुझे उस घर को खरीदना है तो मैं अपने साथ पैसे भी लेके आया हूँ, तो आप इन पैसों को ले लो और मुझे वो घर दे दो। हाँ मैं उस घर को दे तो दूंगा, पर तुमने अच्छे से डिसाइड कर लिया है कि तुम्हें वो घर लेना ही है? हाँ भाई, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे वो रेड वाला घर ही चाहिए, तो आप मेरे से ये 10,000 रुपए ले लो और मेरे को घर की चाबी दे दो। तो मैंने यहाँ पे इसको 10,000 रुपए दे दिए और इनने मेरे को चाबी भी दे दी है। पर यार ये मेरे को चाबी देते टाइम काफी उल्टी सीधी बातें कर रहा था। तो मैं इस घर के अंदर जाने वाला हूँ और देखते हैं अंदर से ये घर कैसा दिखता है। मैं घर के अंदर तो आ चुका हूँ पर ये बाहर से जैसा घर दिख रहा था वैसा ये अंदर से बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये अंदर से काफी गंदा है। इसका किचन भी काफी ज्यादा गंदा हो रखा है, तो मेरे को इस घर की सफाई करनी पड़ेगी क्योंकि ये काफी गंदा घर है। वैसे ये घर काफी बड़ा तो है और इसके अंदर काफी सारे फर्नीचर भी है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने इस घर को खरीद के काफी बढ़िया करा। तो इसके नीचे एक बेसमेंट भी है जिसके अंदर हम बेसमेंट के अंदर जा सकते हैं और यहाँ पे भी काफी सारी चीजें पड़ी हैं तो हम इनका भी यूज कर सकते हैं, पर हमें इस घर की पहले सफाई करनी पड़ेगी। इस घर को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं तो यहाँ पे एक और नीचे बेसमेंट है जिसके अंदर एक खटारे सी कार खड़ी है और यहाँ पे एक और रास्ता था जिसकी वजह से मैं ऊपर आ चुका हूँ। मुझे तो ये घर काफी पसंद आया पर ये काफी गंदा भी है। पर ये क्या है, ये मेरे पीछे कोई पड़ चुका है, मेरे को जल्दी से भागना पड़ेगा। पर ये क्या चीज है जो मेरे पीछे पड़ चुकी है? तो मेरे को लगता है कि इस घर के अंदर एक भूत था जिसकी वजह से उसने मेरे को 10,000 रुपए में ये घर पकड़ा दिया है, तो मेरे को जल्दी से यहाँ से भागना पड़ेगा। भूत से बचने के लिए मैं नीचे भाग जाता हूँ क्योंकि वो मेरे पीछे ही आ रहा है, तो उसके हाथ में एक डंडा भी है जिसकी वजह से वो मेरे को मार सकता है। तो यहाँ पे हम वेट करते हैं और ये जाली भाई नीचे कैसे गिर चुके हैं जिसकी वजह से आवाज हो चुकी है और वो भूत भी मेरे पीछे आ चुका है डंडा लेके, तो मेरे को जल्दी से भागना पड़ेगा यहाँ से। यार उस आदमी को पता था कि इस घर के अंदर भूत था, पर उसने जब भी मेरे को इस घर के अंदर भेजा तो उसको तो मैं पीटने वाला हूँ अगर मैं इस घर से बाहर निकल गया, तो मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा। जल्दी से हम इस डोर को ओपन करते हैं। फाइनली मैं उस घर से बाहर तो आ चुका हूँ, पर उस घर के अंदर वो क्या चीज थी जो कि मेरे पीछे पड़ चुकी थी, तो मेरे को काफी ज्यादा डर लग चुका है। उस घर के अंदर मैं दोबारा जाने नहीं वाला और वो रहा वो आदमी जिसने हमें इस घर के अंदर भेजा था। भाई तुझे पता है उस घर के अंदर एक भूत था? हाँ भाई, मेरे को पहले से ही पता था कि उस घर के अंदर भूत है। अगर तेरे को पता था तो तूने मेरे को ये घर क्यों बेचा? अगर मैं इस घर को नहीं बेचता तो मेरे को 10,000 रुपए कहाँ से मिलते? तो अपना घर खुद ही पकड़ और मेरे को मेरे 10,000 रुपए दे दे। पैसे तो मैं देने नहीं वाला। पैसे तो तेरे को देने पड़ेंगे, या तू ऐसे दे या फिर पिटके दे। मैं भी तेरे को पैसे देने नहीं वाला, अब तू भी मेरे से पिटेगा। अब तू मुझे ऐसे पैसे तो देने वाला नहीं है, तो अब तू पिटी ले। तो मैंने इसके लात घुसे मार के इसको जमीन पे बिछा दिया है। अब जल्दी से हम इससे पैसे ले लेते हैं। मैंने इससे पैसों का बैग ले लिया है, अब जल्दी से हम चलते हैं यहाँ से दूर क्योंकि इस घर के अंदर अभी भी भूत है जो कि मेरे को आके पकड़ सकता है। तो जल्दी से हम अपनी बाइक को लेके चलते हैं अपने घर पे। यार मैं उस घर के अंदर वापस जाने नहीं वाला क्योंकि उस घर के अंदर पता नहीं क्या चीज थी जो कि मेरे पीछे पड़ चुकी थी, तो उसने मेरे को पागल बनाया था, पर मैं उससे पीट के अपने पैसे वापस लेके आ चुका हूँ। अब जल्दी से हम थोड़ा आराम करते हैं।